दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। चली सी आती है हमें तड़पाती है, वो जिसकी आती है वो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ, ओ, सभी उलट गए, दुश्मन सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद इसको, हृदय के खून से बापू ने है सींचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, रखा है ये चिराग शहीदों के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद। जो प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति दीक्षित अपने विचार व्यक्त करेंगी, आइए। मैं सॉरी, तृप्ति की जगह प्रीति निकल गया, तृप्ति दीक्षित, तृप्ति दीक्षित मैम, क्योंकि वो हम सबकी लाडली हैं, प्यारी हैं, तो हम उन्हें कुछ भी कह देते हैं, लेकिन पद और प्रतिष्ठा अपनी जगह है। सॉरी मैम, वास्तविकता यही है, प्रीति है तो है, झलक गई बात। धन्यवाद डॉक्टर सुषमा भदौड़ी मैम, बहुत बहुत। दरअसल मैडम ने जो अभी स्वर गायन किया उसकी पंक्ति बच्चों के लिए थी, तो मुझे भी लगा मुझे बोलना है तो बच्चों के लिए बोलना है, ये हमारा भावी भविष्य। कर्म हेतु इस धर्म भूमि पर, कर्म हेतु इस धर्म भूमि पर, फिर लें हम जन्म सहर्ष, फिर लें हम जन्म सहर्ष। पर विराजमान है हमारी
मंदीप रावत जो हमारे शहीद भारत के हैं, उनकी माएँ यहाँ विराजमान हैं, मैं उनको पुनः नमन करती हूँ अपनी वाणी के माध्यम से। बाकी 9 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, उसका वास्तविक उद्देश्य यही है कि हम उस जो महायज्ञ, आज़ादी का जो महायज्ञ हुआ, उसमें आहुत हुए उन समस्त वीरों को, जो ज्ञात अज्ञात जो भी हैं, उनको हम नमन करें, उस भूमि को, उस मिट्टी को नमन करें। और उसके साथ ही हम माटी को हाथ में लेकर पंच प्रण लें। तो मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगी, अपने उन अज्ञात वीरों को नमन करती हूँ। वो पंक्तियाँ हमारी नहीं है, बड़े फेमस कवि हैं, जैसे ही मैं कहूँगी आप सब लोग समझ जाएंगे वो किसकी पंक्तियाँ हैं। मैं उसमें उन ज्ञात अज्ञात समस्त वीरों को नमन करती हूँ। हमारे बच्चे जान जाएंगे वो किस कवि की है, कल्पना विचार मेरे मिलते हैं, ठीक है। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय गिर पड़े हैं धरा पर, किंतु आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उस देहरी को, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, घर तुम्हारे तप की आज राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। धन्यवाद, पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी ओजस्वी वाणी के लिए। और आपने सभी को याद दिलाया कि बहुत से हमारे शहीद वीर जवान ऐसे हैं जिनका नाम अभी पूरे इतिहास पटल पर नहीं आया है, उसके लिए भी निरंतर शोध चल रहा है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुशवाहा सर को स्वतंत्रता दिवस के 77वें जो समारोह है, इस कार्यक्रम में मंचासीन उपस्थित कॉलेज की प्राचार्य मैडम, हमारे लिए गौरव का पल है। शहीद मनदीप सिंह रावत जी के परिवारजन, उनकी माताजी, उनकी मौसी जी यहाँ पे हैं। हमारे लिए गौरव का पल है कि यहाँ पे रिटायर्ड कर्नल पटवाल जी हैं, मंचा सिंह, अन्य समस्त सदस्यगण उपस्थित, हमारे प्राध्यापक साथीगण, एनसीसी, एनएसएस, रोबर्ट रेंजर्स और अन्य छात्र छात्राएं और मीडिया के लोग। यह गौरव का पल है कि आज़ादी के 76 साल हमने पूर्ण कर लिए हैं। आज़ादी के जश्न में मैं सबको तहे दिल से जो है बधाई देता हूँ। बहुत, अभी हम बात कर रहे थे प्राचार्य मैडम से कि विद्यार्थियों की सहभागिता बहुत ज़्यादा है, ये खुशी की बात है। ऐसे प्रोग्राम में जो है सहभागिता होनी ही चाहिए, बड़े धैर्य के साथ, बड़े जोश के साथ
सब लोग सहभागिता करेंगे तो हम एक एक चुनौतियों पर विजय पा सकेंगे। मैं अपने अन्य भावनाओं को जो है एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है राष्ट्र भाव का प्रभाव। राष्ट्र भाव का प्रभाव। जब मैं ये लिख रहा था कविता, परसों से लिखना शुरू किया, चंद लाइनें हैं, तो मैं सोचा कि आजकल तो धूप हो ही नहीं रही है, मौसम इतना ख़राब हो रहा है, और मेरे कविता की पंक्ति में सुबह सुबह की प्रथम किरण लाइन शुरू होती है। आज मैं सुबह उठा तो देखा कि मौसम कुछ साफ है। हमने कहा कि आज़ादी के पावन पर्व पे शायद प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। सुबह सुबह की प्रथम किरण मन में आह्लादित चारु तरंग। सुबह सुबह की प्रथम किरण मन में आह्लादित चारु तरंग। हरियाली शौर्य विश्व शांति का। हरियाली शौर्य विश्व शांति का। तिरंगा दे खुशियाँ आनंद। सुबह सुबह की प्रथम किरण मन में आह्लादित चारु तरंग। हरियाली शौर्य विश्व शांति का। तिरंगा दे खुशियाँ आनंद। उत्साह देश प्रेम का भरा हुआ। उत्साह देश प्रेम का भरा हुआ। शत्रु दमन का मन में उमंग। उत्साह देश प्रेम का भरा हुआ। शत्रु दमन का मन में उमंग। लोकतंत्र में फल फूल सके। लोकतंत्र में फल फूल सके। अंदरूनी दुश्मनों का भी हो पतन। लोकतंत्र में फल फूल सके। अंदरूनी दुश्मनों का भी हो पतन। व्यक्तिक विकास हेतु संकल्प। हर आदमी चाहता है कि इंडिविजुअल हम जो है विकास करें। व्यक्तिक विकास हेतु संकल्प। क्या करना पड़ेगा? पालन मेहनत व अनुशासन। अगर हर आदमी जो है अपना विकास चाहता है, राष्ट्र का विकास चाहता है, समाज का विकास चाहता है, तो संकल्प लेना ही काफ़ी नहीं है बल्कि उसका पालन करना भी जरूरी है। व्यक्तिक विकास हेतु संकल्प। पालन मेहनत व अनुशासन। आजकल क्या हो रहा है? हिम शिखर पर्वत नदी वन पवन। ध्यान दीजिएगा, हिम शिखर पर्वत नदी वन पवन को खाए नहीं प्रदूषण। एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। हमारी धरती, हमारी हवा, हमारी मिट्टी, ये सब प्रदूषित हो रही है, तो प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी है। हिम शिखर पर्वत नदी वन पवन को खाए नहीं ये प्रदूषण। अपनी धरती अपनी माटी जैव विविधता का हो संरक्षण। अपनी धरती अपनी माटी जैव विविधता का हो संरक्षण। आशा ज्योति का हर मन में जले। आशा ज्योति का हर मन में जले। प्रचुर हो प्राकृतिक संसाधन। प्रचुर हो प्राकृतिक संसाधन। निराश भाव हट जाए सदा। निराशा का भाव बहुत बड़ी हमारे लिए हर्डिल है, अवरोध है। निराश भाव हट जाए सदा। भेदभाव का करे हम समापन। निराश भाव हट जाए सदा। भेदभाव का करे हम समापन। कल्याण विश्व में सबका हो। वसुधैव कुटुम्बकम हमारी भावना है, हमारी संस्कृति है। कल्याण विश्व में सबका हो। क्या होना चाहिए? देशों में हो परस्पर मैत्री मिलन। देशों में परस्पर हो मैत्री मिलन। हम सतत विकास की बात करते हैं। सतत विकास ये कहता है, बहुत सारे पॉइंट पे ध्यान देता है, पावर्टी नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधन का उचित बंटवारा होना चाहिए, विश्व बंधुत्व होना चाहिए, और ये तब होगा जब हम उचित तरीके से जो है जिंदगी का यापन करें, सबको सम्मान दें, तो अंत में पुनः जो है आज़ादी के इस महोत्सव में मैं हृदय से सबका
आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ और विशेष रूप से शहीद मंदीप सिंह रावत जी की माता जी मौसी जी और हमारे कर्नल साहब पटवाल जी को अपने हृदय के जो है उपस्थिति के लिए जो है बहुत बहुत आभार और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। द ब्रेव हार्ट राइफलमैन अमनदीप की माता जी और उनकी मौसी को एक बार आप सभी लोग खड़े होकर के स्टैंडिंग ऑवेशन देंगे और एनसीसी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा एनसीसी साथियों कृपया करके अपने एनसीसी क्लब से ब्रेव हार्ट की एक सलामी देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है एनसीसी कैडेट अपना क्लैप देंगे। ब्रेव हार्ट मेरी माटी मेरा देश प्रमुख आपके प्रवक्ता होगी। मैं थोड़ा प्रोटोकॉल से हटके बातें करता हूँ बिकॉज आई डोंट इन्वॉल्व माई शेल्फ क्योंकि प्रोटोकॉल एड्रेस के अवेलेबल नहीं है। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड। जो कुछ भी आप लोगों ने या स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अपने विचार व्यक्त किए साथ साथ लेक्चर से बड़ा अच्छा लगा। मैम को देख करके मैथमेटिक्स बनी है फिर भी इतना अच्छी पकड़ है साहित्य के ऊपर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल पीपल्स आर ऑलवेज फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग विद देम। आई एम फीलिंग माई सेल्फ वेरी प्राउड ऑफ दैट टुडे आई एम हियर विद यू। लेक्चर्स ने जो भी बातें यहाँ पे बताई उन्होंने मुझे एक ही चीज लगा कि प्रधानाचार्य महोदय ने जो किसी काम को जो एक आदेश होता है सरकार का किसी का उसको धरातल में अंजाम देने के लिए उसको ड्राइव किया है तो आपकी मैडम ने दिया। थैंक यू मैडम। आई हैव नथिंग मच टू एड्रेस टू यू स्पेशली बिकॉज यू आर वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल बट वन थिंग इज वेरी मच क्लियर आई हैव सीन सो मेनी कॉलेज इन उत्तराखंड पीजी कॉलेज इज मोस्ट डिसिप्लिन्ड हाउएवर दे आर सो मच ऑफ पॉलिटिक्स एवरीवेयर but especially whenever I have gone through this route during my morning walk I always found these and see carried the stars over country and I they are very disciplined ma'am I feel myself proud when some of them suddenly will get through their SSB and they will get commission into Indian Army Air Force and Navy. Even though the dress they are wearing is must be from right, जितना आपके अंदर डिसिप्लिन है, I'm watching since एक दो घंटे से आप बैठा हूँ। NCC cadet is the mirror for everyone. You are very disciplined. I am still, and I always think the people who are in uniform they are supposed to be in discipline. Nothing much about it. Once again. I am feeling myself very honored to be with the college compound. Thank you so very much. Thank you very much, sir. आप हम सबके लिए प्रेरणादायी हैं और आगे भी हम आपके दर्शनों से लाभान्वित होते रहेंगे आपके विचारों से। मैं सभी एनसीसी कैडेट रोवर रेंजर्स और एनएसएस के छात्र छात्राओं को इसके अलावा अन्य जितने बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया है और जो भी और छात्र छात्राएं हमारे बीएड के छात्र छात्राएं हैं उन सब को बहुत ही बहुत आशीर्वाद देती हूँ प्यार देती हूँ कि सब इतने पेशेंस और अनुशासन के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। पुरस्कृत करें साथ ही जो हमारे यादव सर हैं यादव सर की विष्णु कुमार साहब है पुरस्कृत करें। थैंक यू सर। और इसके बाद मैं धन्यवाद सर आप सब लोगों का। इसके बाद में तो मंदीप रावत जी की माता जी हैं उनको और आशा देवी मैम को साथ ही उनकी मौसी से निवेदन करती हूँ कि खदीजा खातून को पुरस्कृत करने की कृपा करें।
प्लीज बच्चे आगे आइए। ये सभी एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर रोशनी अस्वार, डॉक्टर सरिता चौहान इसके बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ये सब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इसमें जो थर्ड जिनका स्थान आया है, तृतीय स्थान, उसके लिए मैं रोशनी अस्वाल मैम, संजीव कुमार, संजीव इस जो प्रोग्राम है इसमें निर्णायक की भूमिका निभाई डॉक्टर विनोद भंडारी और डॉक्टर सोमेश ढोंडियाल सर ने, ये भी बधाई के पात्र हैं। और अब जो पोस्टर प्रतियोगिता हुई उसमें तीसरे स्थान पर रही सौम्या सुंडली बीएससी फर्स्ट सेम। ढोंडियाल सर सब स्टेज पर आ जाएं प्लीज, आपकी मेहनत है, आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, प्लीज आ जाएं आप और सब बच्चों को इनको पुरस्कृत करने की कृपा करें। सौम्या सुंडली प्लीज आप आए। मैं फिर इसके बाद कमलेश कुमार उपस्थित हों, इसके पश्चात मैं डॉक्टर शोभा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वो उन्हें पुरस्कृत करें, उन्हें सर्टिफिकेट दें। रक्तदान किया था जो कि बहुत ही गौरव की बात है, हम सभी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही इसमें एनएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा जिनका नाम लिया गया है वो शीघ्रता से यहाँ पर आकर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। मेरे महाविद्यालय परिसर में बाहर से आए हुए आज के अतिथि कर्नल सीपी पटवाल जी, शहीद मंदिर की माता जी और उनके परिवार के अन्य सदस्य, मंचा सिंह मेरे वरिष्ठ प्राध्यापक, डॉक्टर एमडी कुशवाहा जी, डॉक्टर पीएन यादव जी, एनसीसी के अधिकारी कैप्टन डीएस चौहान जी, डॉक्टर आशा देवी जी, और इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन कर रही हैं डॉक्टर सुषमा थलेड़ी मैडम, मेरे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक कर्मचारीगण और एनसीसी के बीएड के रोवर रेंजर के और महाविद्यालय के अन्य छात्र और बाहर से आए हुए समस्त आगंतुक और छात्र छात्राएं, सर्वप्रथम मैं आपको इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। सर्वप्रथम मैं उन अमर शहीदों को, उन महापुरुषों को अपनी तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं बाहर से आए हुए आगंतुकों को, अपने महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्यों को, अपने छात्र छात्राओं को फिर से एक बार बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूंगी, मैं एक लाइन बोलना चाह रही हूँ।
कि जब हम छोटे थे तो 15 अगस्त पहले स्कूल से मनाकर घर जाते थे और घर में मेरी मम्मी मेरे पापा का जन्मदिन के लिए पूरी पकौड़ी बना के रखती थी। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और 2021 मई में वो हम सबको छोड़कर चले गए। वो इस कॉलेज के एक मजबूत स्तंभ के रूप में रहे हैं। तो आज जैसे कि अब हमारा कार्यक्रम स्वच्छता कार्यक्रम और वृक्षारोपण का है, तो उनकी स्मृति में हम आज वृक्षारोपण करेंगे और हमारे समस्त छात्र और स्टाफ स्वच्छता कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करेगा। धन्यवाद। यहाँ गाय भी नहीं आएगी। नहीं, यहाँ तो सुरक्षित है ना, बिल्कुल नहीं है। अभिषेक कहाँ है बेटा? खाली खोद रही नहीं है सर, उखाड़ना मत। हाथ के मैम, मैम आप पैसे दबा दो चारों तरफ से, पैसे आप पकड़ो लो, इसमें ना पानी वो लगा दे, ये पैसे दबा दो, पैसे दबा दो। क्या नाम लोगे तुम? करवा दो चारों तरफ पैसे दबा, पेड़ आराम रखो इसको चारों तरफ, ये दबा दे, ये ले बस। इसमें लेते ब्रेक वजन है जो आने दिया, जब काम करते वो कर दिया ना, दिखावा नहीं चाहिए मुझे, उसमें सब उखाड़ रहे थे ना, तब ये ठीक है। जो अब आने वाले वो नहीं आएंगे, जो नहीं आने वाले वो आएंगे। इसकी जिम्मेदारी ले ली प्राचार्य ने, लगाया ये पौधा, ठीक है अब इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये मत सोचना मैं यहाँ ना टहलते हुए आ जाऊंगी कभी, ये आंवले का पेड़ आपके नाम का है, ये मैं कुदाली दो, मुझे मिट्टी डालो, मैं लगा रही हूँ। इसको गड्ढा रहने दियो, थोड़ा पानी भरा ना, गड्ढे में सड़ जाएगा ये, इसमें ऊंचा रखना है, किनारे से गहरा रखना। तैयार हो आराम से।